दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ रीना और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं ठीक हूँ, आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। तो आज है फ्राइडे, बच्चों की है छुट्टी। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए आज हरे मूंग के चीले। तो चलो ब्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ते में हरे मूंग के चीले। ये मूंग दाल है, मैंने रात भर भिगो के रखी हुई थी। अब इसका बनाते हैं हम पेस्ट। जीरा, और उसके बाद डालेंगे इसमें हरी मिर्ची। मैंने मूंग दाल का पेस्ट किया तैयार। उसके बाद मैंने गैस में रखी कढ़ाई, कढ़ाई में डाला मैंने सरसों का तेल। जैसे ही तेल गर्म हुआ उसमें डाला मैंने जीरा। जीरा डालने के बाद डाला प्याज। प्याज जैसे ही हल्का सा ब्राउन हुआ उसके बाद डाल दिए मैंने टमाटर, और फिर मिलाए मसाला। इसमें डालेंगे हम नमक, हल्दी, मिर्ची, हल्का सा धनिया और चाट मसाला। है मसाला तैयार, तब तक हम गैस में हो रहा है मसाला तैयार, तब तक मैंने पनीर के छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए। ये पनीर डालूंगी मैं मसालों में, और इसको अच्छे से भून के और फिर करूंगी मूंग दाल चीले के लिए फिलिंग तैयार। दाल का पेस्ट निकाला मैंने एक बाउल में, फिर उसमें मिलाए मैंने मसाले। पहले डाला मैंने नमक, उसके बाद डाली मैंने लाल मिर्ची, उसके बाद हल्का सा गरम मसाला, चाट मसाला, और उसके बाद डाली मैंने थोड़ा सा हल्दी। उसके बाद पेस्ट रेडी। तवा रख दिया मैंने गैस में। मैं बना रही हूँ चीले घी में, आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं। घी रखा था मैंने फ्रिज में, तो इसलिए ये जम रखा है। ये चीला जब एक तरफ से अच्छे से पक जाए तभी इसको पलटना चाहिए, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी कच्चा हुआ तो ये बीच से टूट जाते हैं। आप मूंग दाल चीले को दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप ऐसे में, क्योंकि हमने चीले में सारे मसाले डाल रखे पेस्ट में, इसलिए आप पनीर को कद्दूकस करके ऐसे डाल सकते हो। आपने बना रखी सब्जी आप ऐसे डाल सकते हो, बच्चों को बहुत टेस्टी लगेगी, और मेरे बच्चे तो ऐसे ही खाते हैं। हो गया है नाश्ता तैयार, बच्चों को देके आती हूँ मैं नाश्ता। हम सब का नाश्ता हो चुका है। मैंने मीशो से मंगा रखा था कुछ सामान, तो उसका ऑर्डर आया अभी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। तो ये मंगा रखा मैंने ड्राई फ्रूट और मसाला दाने, कॉम्बो पैक था ये। ये रहे दो बॉक्स। ये रहा मसाला दानी। और ये रही ड्राई फ्रूट की ट्रे। ये है मसाला दानी, इसमें है 7 बॉक्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट।